सभी सैन्य कर्मियों के लिए सेना मुख्यालय ने जारी किया महत्वपूर्ण आदेश। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टेम्पलर न्यूज में। दोस्तों, मौजूदा हालातों को देखते हुए और सैन्य कर्मियों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए सेना मुख्यालय के द्वारा कल 16 अप्रैल 2021 को सभी संबंधित अधिकारियों को बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और अब इस नए आदेश के अनुसार नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं कि किस तरीके से सैन्य दफ्तर काम करेंगे, सैन्य हॉस्पिटल्स यहाँ पर काम करेंगे और किस तरीके से जवानों की ट्रेनिंग, यानी कि जो जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं उसे यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, इसके संबंध में गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। यदि आप एक सैन्य कर्मी हैं तो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी बातें और महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जिनको कि आगामी कुछ समय के लिए फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आदेश जारी किया गया है ये 16 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है और सभी संबंधित अधिकारियों को इसे यहाँ पर एड्रेस किया गया है। और इस आदेश में तीन महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, यानी कि किस तरीके से सैन्य दफ्तर यहाँ पर काम करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर जो सैन्य हॉस्पिटल्स हैं यानी कि आर्मी हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ पर काम करेंगे, और तीसरा यहाँ पर कहा गया है कि किस तरीके से जो स्टेशन और जो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर वगैरह हैं वो काम करेंगे, किस तरीके से जवानों को रखा जाएगा उसके बारे में गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि जो सैन्य दफ्तर हैं वो अब यहाँ पर 30 अप्रैल 2021 तक 50% स्टाफ के साथ में काम करेंगे, यानी कि अभी पूरे स्टाफ को ऑफिस में नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ 50% स्टाफ को ही ऑफिस में बुलाया जाएगा और इसके लिए संबंधित अधिकारी के द्वारा रोस्टर भी बनाया जा सकता है। फिर यहाँ पर यह भी कहा गया कि जब भी जवान या जो सैन्यकर्मी हैं जिनका की पोस्टिंग दफ्तर में है, यदि वो ऑफिस आते हैं तो उन्हें कोविड-19 से जुड़ी हुई सारी सावधानी बरतनी है, उन्हें मास्क लगाना है, अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली धोना है और जो भी यहाँ पर कोविड से रिलेटेड सारी सावधानी है उनको फॉलो करना है। और फिर यहाँ पर जो मीटिंग्स वगैरह हैं उन्हें जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किया जाएगा और कॉमन एरिया में भीड़भाड़ भी यहाँ पर नहीं की जाएगी, इनकी भीड़ को अवॉइड के लिए। और उसके बाद में जो दूसरी गाइडलाइंस यहाँ पर है वो यहाँ पर हैं आर्मी हॉस्पिटल्स के लिए, मिलिट्री हॉस्पिटल्स के लिए। तो यहाँ पर आपका आ गया कि जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए 15 मई 2021 तक ये गाइडलाइंस लागू रहेंगी, उसके बाद में से रिव्यू किया जाएगा और यदि कुछ बदलाव यहाँ पर होगा तो उसे 15 मई 2021 के बाद में लागू किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि यदि कहीं पर कुछ रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह नहीं, RME यदि कुछ चल रही हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से टेम्प्रेरी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि अब किसी भी प्रकार की मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह नहीं कंडक्ट की जाएंगी। फिर यहाँ पर जो एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसे कि किसी को अपने न्यूबॉर्न चाइल्ड वगैरह है उसकी हेल्थ से रिलेटेड वगैरह है, फिर कोई मैटरनल केसेस वगैरह हैं वो यहाँ पर आर्मी हॉस्पिटल्स में कंटिन्यू रहेंगी। और यहाँ पर जो कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह हैं उनका मैनेजमेंट एंड उनका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, और जो क्रोनिक कंडीशंस से जूझ रहे जवान हैं उनका भी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में किया जाएगा। और किसी प्रकार का यदि इमरजेंसी कुछ प्रॉब्लम है, इमरजेंसी मैनेजमेंट वगैरह है, वो काम भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स में किया जाएगा। और यहाँ पर जो सर्जरीज वगैरह हैं वो कंडक्ट की जाएंगी, लेकिन सर्जरी कंडक्ट करने के दौरान कोविड-19 से जुड़े हुए सारी जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन्हें यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। फिर यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो स्टाफ जिनको जो कि कंटिन्यू 7 से 10 दिन तक यदि मिलिट्री हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें रोटेट यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि अब आर्मी हॉस्पिटल्स में जवानों को रोस्टर के हिसाब से बुलाया जाएगा। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो यहाँ पर आर्मी हॉस्पिटल्स में आने वाले जो विजिटर्स हैं उन्हें कम से कम एंट्री यहाँ पर उन्हें दी जाएगी। तो ये कुछ गाइडलाइंस रही हॉस्पिटल्स के बारे में। और उसके बाद में जो तीसरी गाइडलाइंस यहाँ पर है वो जारी की गई कि किस तरीके से जवानों की ट्रेनिंग यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी उसके संबंध में। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कोविड केयर सेंटर्स हैं किसी भी चीज़ हैं उन्हें दोबारा से यहाँ पर काम करना पड़ेगा, यानी कि अब यहाँ जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उनकी स्थापना फिर से की जाएगी और जो एसिम्प्टोमेटिक है और या फिर जो माइल्ड लक्षण वाले जवान हैं उन्हें उन सेंटर्स में रखा जाएगा। और फिर यहाँ पर जो जवान जो कि जिनका के और उनके डिपेंडेंट्स हैं जिनका की एज 45 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा हो चुका है तो उन्हें कोविड-19 के जो वैक्सीन है उसकी दोनों डोजेज यहाँ पर लगाई जाएंगी जल्दी से जल्दी। और जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उन्हें कंडक्ट यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग फिलहाल नहीं रोकी गई है, ट्रेनिंग यहाँ पर कंडक्ट की जाती रहेंगी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान
कोविड-19 से जुड़े हुए सारी जो सावधानी हैं वो बरती जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा, जवानों को मास्क लगाना होगा और जो भी यहाँ पर सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन्हें फॉलो करते हुए ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएंगी। तो ये नई गाइडलाइंस यहाँ पर सेना मुख्यालय के द्वारा कल 16 अप्रैल 2021 को सभी संबंधित अधिकारियों को जारी कर दी गई हैं और इन्हें लागू किए जाने के आदेश भी जारी कर दे दिए गए हैं सभी संबंधित अधिकारियों को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी नई गाइडलाइंसों के बारे में जान सकें। यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें, लाइक कर दें और यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।